नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थिएटर में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म के बारे में, जिसका नाम है कोड नेम तिरंगा। इसके लीड रोल में आपको नजर में आएंगे परिणीति चोपड़ा, हार्डी सांधू और शरद केलकर। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है रिभु दास गुप्ता। अब दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आप बताऊँ तो एक ही वर्ड में बोलूँगा, टॉर्चर। सच में टॉर्चर थी ये मूवी। मूवी में क्या चल रहा था, क्या बताना चाहते थे, समझ में ही नहीं आ रहा था। इतनी वर्स्ट से वर्स्ट स्टोरी लाइन थी इस फिल्म की। फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में परिणीति चोपड़ा एक एजेंट होती है, रो एजेंट। वो 2001 के सांसद में जिसने अटैक किया था, यानी कि शरद केलकर, उसकी तलाश करती है। अब उसको वो मार पाती है कि नहीं, यही इस फिल्म में हमें दिखाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो फिल्म में कोई भी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। बस ऊपर ऊपर से दिखा दिया कि कोई भी एजेंट है वो आतंकवादी को मार सकता है, भले उसको कोई भी हो। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई प्लॉटिंग है, कुछ भी नहीं। मतलब जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी नहीं दिखाए। नीरज पांडे की अगर आपने फिल्मों देखा होगा तो कैसे वो हैक करते हैं, कैसे वो रिसर्च करते हैं, वो सब दिखाए जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में कुछ भी नहीं। अरे ऐसे कंप्यूटर चला दिया और हैक हो गया, ऐसा वो लोग दिखाते हैं। क्या फालतू का सीन था यार वो। इवन ऐसा लग रहा है कि परिणीति चोपड़ा सबको मार देगी। एक परिणीति चोपड़ा सारे जो टेररिस्ट है, जो उस पे जिसके हाथ में बंदूक है, वो सबको मार देगी, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। लास्ट के क्लाइमेक्स में परिणीति चोपड़ा एक वो गेम नहीं होती जहाँ पे सिर्फ बंदूक दिखती है, चेहरा नहीं दिखता, उस हिसाब से मार रही है। वो भी इतना फेक लगता है, मतलब हंसी, मतलब देखे दिखा नहीं जाता वो फिल्म में। सच में बहुत ही बेकार सीन था वो। फिल्म का डायरेक्शन तो मैं क्या ही बताऊँ यार। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ये 2 घंटे कब खत्म हो गए। मतलब ये 2 घंटे देखना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, सच बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि 10 घंटे मैंने फिल्म देख ली यार। कुछ फिल्म में चल ही क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ना स्टोरी का आता पता नहीं, ना कैरेक्टर का डेवलपमेंट का आता पता नहीं। परफॉर्मेंस भी एकदम वाहियात, कुछ भी नहीं था फिल्म में। इनको ऐसा लगता है कि कोड नेम तिरंगा, मतलब कि देशभक्ति के ऊपर नाम रखेंगे तो पब्लिक देखने आ जाएगी, पब्लिक अप्रिशिएट करेगी। ऐसा नहीं होता। अब पब्लिक वो नहीं रही, ऑडियंस आपकी अब ऐसी नहीं रही जो पहले थी। ठीक है, हिंदुत्व के नाम पर कुछ भी बना दोगे नहीं देखेंगे, देशभक्ति के नाम पर कुछ भी बना दोगे नहीं देखेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि जो नॉर्मल ऑडियंस होती है, जो जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि फिल्में कैसे बनाई जाती है, फिर भी वो फिल्म देख के बता देती है कि यार ये कैसी फिल्म है। तो आप लोग तो इतने एक्सपीरियंस लोग हो, इतनी फिल्में बनाई हैं आपको, इतना तजुर्बा है, फिर भी आप लोग को पता नहीं चलता कि आपकी फिल्म कैसी है। कभी आप लास्ट में बन के जो फाइनल प्रोडक्ट है वो देखते नहीं हो क्या? और देखते भी हो तो आपको इतना पसंद आ जाता है ये फिल्म। सच में दोस्तों, एकदम टॉर्चर मूवी थी, टॉर्चर। अगर अपने आप को आपको सजा देनी है ना, या किसी और से बदला लेना है ना, तो ये फिल्म उसको दिखाओ, मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस फिल्म को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।